गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है, आज हम कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करेंगे। आजकल ये रील्स बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और इस पर व्यूज भी अच्छे खासे मिलियंस में आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो को क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियो के भी वायरल होने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको वीकेंड ऐप की जरूरत पड़ेगी। आपको इसको प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक क्लिप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमें सिंपली इसको ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर क्लिप ऐड हो चुकी है, ये वाली क्लिप है वो। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये ब्लैक पार्ट वाली एक लेयर है उस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद हमें सिंपली इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके वीडियो स्लैश फोटो पर करना है क्लिक। और उसके बाद हमें फ़ोटोज़ पर जाकर या फिर वीडियोज़ में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़ोटो को ऐड कर रहा हूँ तो सिंपली अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका फ्रेम रेशियो चेंज करना है। उसके लिए सिंपली ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और 9:16 पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो क्लिप है और जो हमारी फ़ोटो है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी क्लिप है सेकंड क्लिप उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एफएक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर से राइट स्वाइप करना है। और आप इनमें से कोई सा भी एफएक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला एफएक्स यूज़ कर लेता हूँ और इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाकर इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और सिंपली इसको ओके कर लेते हैं। तो हमारी जो सेकंड वाली क्लिप है उसमें जो हमारी एफएक्स है वो ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे फर्स्ट पार्ट में आ जाना है और इसमें एक साउंड ऐड करना है। उस साउंड को ऐड करने के लिए सिंपली इस म्यूज़िक का आइकन पर क्लिक करना है और म्यूज़िक पर टैप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का आइकन पर क्लिक करके जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर से आपको एक म्यूज़िक वीडियो ऐड करनी है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो वीडियो का साउंड है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में शो हो रहा है। हमें सिंपली चूज़ के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से इसके ओके कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहाँ ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको सिंपली इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या बात है सर, ये बात है। हमारी जो फोटो की लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ी है फ्रेंड्स। अब हमें इसको थोड़ा सा कम कर लेना है अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर दो आइकन बने हुए हैं। तो हमारा जो सेकेंड वाला आइकन है ब्लू आइकन, और उसके बाद अपना रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके कर देना है। तो जो हमारी वीडियो है हमारी गैलरी में सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस वीडियो को क्रिएट करूं तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।